नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आयर शो में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत की विदेश नीति के बारे में, जिसने इस समय पूरे विश्व में एक तरीके से हलचल मचा दी है, खास तौर से भारत के पड़ोस के देशों में। क्योंकि भारत ने इस समय अपनी विदेश नीति में एक ऐसा काम किया है कि जिसने बहुत ज़्यादा जो है वो रशिया को चौंका दिया है, साथ ही साथ जो और जो देश हैं उनको भी चौंकाने का काम किया है। अब हुआ क्या है दोस्तों, चलिए इस पर हम लोग अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि इमोशनल मोमेंट, इंडिया गिफ्ट्स 17th सेंचुरी रेलिक्स ऑफ सेंट क्वीन कैटावेन टू जॉर्जिया। दोस्तों जॉर्जिया में जो सेंट क्वीन है कैटावेन, इनको शहीद का दर्जा प्राप्त है और ये इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं जॉर्जिया के लोगों के लिए, क्योंकि ये वहाँ की सिर्फ क्वीन ही नहीं थी, ये वहाँ के जो उनके जो धर्म का प्रतीक है ये उसका भी मानी जाती हैं। और इनकी वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा मान्यता है, इनकी मान्यता इस कदर थी कि आप सोच सकते हैं कि जब 17th सेंचुरी में जब ये शहीद हुई, और शहीद इस वजह से हुई क्योंकि उस समय जो था आपका इस्लामिक एम्पायर जो है वो बढ़ता जा रहा था, जैसा कि आप यहाँ जो है देख सकते हैं। ये रहा आपका मुग़ल एम्पायर 1500 में, और सफ़ावद एम्पायर आप यहाँ देख सकते हैं लेफ़्ट में, और उसके बगल में आप ओटोमन एम्पायर देख सकते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं तो रेड सर्किल में जो मैंने एरो से आपको कर रखा है, यहाँ पे था आपका जॉर्जिया, और सफ़ावद जब एम्पायर था यहाँ बगल में, और यहाँ बगल में आप देख सकते हैं ओटोमन एम्पायर है। तो ये दोनों एम्पायर जो हैं वो यहाँ पे जॉर्जिया का जो एम्पायर था उसको घेरे हुए थे, और जॉर्जिया में जो था वो कैथोलिक चर्च या कैथोलिक क्रिश्चियन का जो है रिलीजन जो है यहाँ पे फॉलो किया जा रहा था। और जब यहाँ पे सफ़ावद एम्पायर ने जब यहाँ पे हमला किया तो उसके बाद इन्होंने इसको इन्होंने जो यहाँ की जो क्वीन थी कैटावेन, उनको क्या किया था कि उनको कहा था कि आप इस्लाम को कबूल कर लीजिए, लेकिन उन्होंने इस्लाम को कबूल करने से मना कर दिया था। जिसके बाद में क्या किया गया कि इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, और माना जाता है कि इनको जो सलाखें होती हैं लोहे की गर्म सलाखें होती हैं उनसे इनकी खाल तक को निकाला गया ताकि ये इस्लाम को स्वीकार कर लें, लेकिन इन्होंने तमाम अत्याचारों को सहन करने के बावजूद इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, और ये उस दर्द को उस पेन को जो है वो सहन करते हुए अंततः शहीद हो गई। रेलिक्स को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई भी एक आपका एक रिलीजियस कैरेक्टर जो कि किसी भी रिलीजन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसके जो बचे हुए अवशेष आप इनको ये समझ सकते हैं जैसे गौतम बुद्ध जब उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया तो उनके जो शरीर के जो अंश थे जो बचे हुए उनको क्या किया गया था कि जगह जगह पर वहाँ पर उनको इस्टेब्लिश किया गया, और जहाँ जहाँ उनको लगाया गया वहाँ पर स्तूपों का जो है निर्माण किया गया था। उसी तरीके से जब क्वीन कैटावेन भी जब शहीद हो गई तो इनके शहीद होने के बाद जो इनके शरीर के बचे हुए अंश थे, माना जाता है कि उनको जगह जगह पे जो है उनको ले जाया गया, और इनके कुछ जो रिलिक्स थे वो पुर्तगीज़ के भी हाथ में लगे। और वही पुर्तगीज़ जब आपकी 17th सेंचुरी में जब वो भारत में आए, गोवा में आए, तो गोवा में उन्होंने क्या किया था कि उन रिलिक्स को रखा था। वही रिलिक्स बाद में क्या हुआ, वही अवशेष बाद में भारत सरकार को प्राप्त हुए, और भारत सरकार ने जो है इसको 2017 में ले भी गई थी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एट द इंसिस्टेंस ऑफ द जॉर्जियन गवर्नमेंट इंडिया सेंड द रेलिक्स टू द जॉर्जियन फॉरेन एग्जीबिशन ऑफ फॉर 6 मंथ्स इन 2017। तो इनके रिक्वेस्ट पे 2017 में भारत इनको जो है रेलिक्स का एक पार्ट जो है इनको दे चुकी थी 6 महीने के लिए एग्जीबिशन के लिए, जिसको बाद में 2018 में प्राप्त कर लिया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस बार गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि चूंकि इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस चीज़ के लिए कि आप हमको जो उनके रिलिक्स हैं दे दीजिए, तो इनके रिलिक्स का जो एक पार्ट है वो तो भारत ने फ़िलहाल अब क्या किया है कि इनको जो है वो सौंप दिया है। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये जॉर्जियन क्वीन थी, क्वीन कैटावेन, और इनकी बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप समझिए पूजा की जाती है क्रिश्चियनिटी में, जॉर्जिया में ख़ास तौर से। तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक धार्मिक आस्था का सवाल था, और ऐसा करके भारत ने क्या किया कि वहाँ के लोगों में अपनी जो एक इमेज बिल्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग कर ली है, क्योंकि ये आपके आस्था से जुड़ा हुआ मैटर है, और इससे भारत की जो स्थिति है वो जॉर्जिया में मजबूत हुई है। और दूसरी बात यह है कि जॉर्जिया में देखिए 25 साल हो गए डिप्लोमेटिक रिलेशन को, लेकिन अब तक जो है कोई ऐसी स्पेशल विज़िट नहीं हुई थी भारत की तरफ से, और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो जॉर्जिया की विज़िट पे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे
एस जयशंकर आपको दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ जो जॉर्जियन उनके काउंटर पार्ट विदेश मंत्री हैं, जॉर्जिया के विदेश मंत्री, वो आपको दिख रहे हैं। तो ये इस तरीके से भी खास थी। और दूसरा ये कि भारत इससे कहीं ना कहीं एक तीर दो निशाने वाला भी काम करना चाह रहा था डिप्लोमेटिक में। जैसा कि आप लोग को याद होगा कि कुछ समय पहले ही क्या हुआ था कि जो रूस के जो विदेश मंत्री थे वो भारत की यात्रा पे आए थे, और भारत की यात्रा करने के बाद वो पाकिस्तान की यात्रा पे गए थे। तो ये भारत को बहुत ख़राब लगा था, क्योंकि पाकिस्तान से इस तरीके से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत को कहीं ना कहीं मंजूर नहीं है। लेकिन उनके विदेश मंत्री भारत आए, और भारत से आने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा को ख़त्म करने से पहले वो पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान में जाके उन्होंने ये भी स्टेटमेंट कहा कि पाकिस्तान अब रशिया का अच्छा दोस्त बन रहा है, और रशिया अब तैयार है अपने अत्याधुनिक हथियार जो है पाकिस्तान को बेचने के लिए। और आप लोग को मालूम ही होगा कि जॉर्जिया और रशिया में जो है बनती नहीं है, इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं। ये जो मैंने यहाँ आपको जॉर्जिया का जो मैप यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें जो रेड सर्किल वाला जो एरिया दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर ही जो है वो रशिया की जो है बॉर्डर लगता है। आप यहाँ लेफ्ट में देख सकते हैं सेवस्टापोल जो आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन का हिस्सा था जिसको 2014 में जो है वो रशिया ने एनेक्स कर लिया अपने में। और ये जो रेड एरिया वाला जो देख रहा है, मैंने जो रेड से मार्क कर रखा है, ये जॉर्जिया का वो इलाका है जिसको 2005 में रशिया ने जो था वो कब्ज़ा कर लिया था। तो अब रशिया और जॉर्जिया में बनती नहीं है, और इसकी वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं भारत को ये एक मैसेज देना था रशिया को कि अगर आप हमारे किसी काउंटर पार्ट में, अगर किसी हमारे ऐसे देश के साथ अपने संबंध बनाते हो जिसके साथ हमारे डिस्प्यूट हैं, तो हमारे पास भी ऑप्शन है कि हम भी आपके किसी ऐसे पड़ोसी देश के साथ संबंध बना सकते हैं जिसके साथ आपके भी डिस्प्यूट हों। तो एक तरीके से ये टिट फॉर टैट की पॉलिसी भी कही जा रही है, एक इनडायरेक्ट मैसेज रशिया को देने का बताया जा रहा है। तो इसमें दो था, एक तो आपको जॉर्जिया को एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल गिफ्ट कह सकते हैं, या कि एक डिप्लोमेटिक गिफ्ट कह सकते हैं भारत की तरफ से, जिसके जॉर्जिया और भारत के संबंध मजबूत होंगे। अब इससे आगे चल के भारत ये कर सकता है कि हो सकता है कि अपने कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह जॉर्जिया को आगे ज़रूरत पड़ने पे बेच सकता है, जिस तरीके से अगर रशिया आगे चल के पाकिस्तान को बेचने की कोशिश करता है तो भारत भी उसके काउंटर पार्ट में जॉर्जिया को अपने जो रक्षा के जो उपकरण हैं वो बेच सकता है। और दूसरा मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसका एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक बेनिफिट भारत को मिला है। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जॉर्जिया के अगल बगल क्या है। ये कॉकेशियन रीजन में जॉर्जिया पड़ता है, कॉकेशस जो पर्वत श्रृंखला है उसी के बगल में, उसी के पास में आपका जॉर्जिया पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि इसके दाएं तरफ जो है कैस्पियन सी है, बाएं तरफ आपका ब्लैक सी है, ब्लैक सी के ऊपर ही सेवस्टापोल जो यूक्रेन का हिस्सा था जिसको रशिया ने एनेक्स कर लिया था, और सेवस्टापोल के ऊपर ही जो आपको छोटा सा है जो ये वाटर का जो आपको दिख रहा है, यही है आपका एजोव सी। और इसी में जो स्ट्रेट पड़ती है ब्लैक सी और एजोव सी को जो कनेक्ट करती है उसको कर्च स्ट्रेट कहते हैं। और ये आपका कैस्पियन सी हो गया, नीचे आपका जॉर्जिया के नीचे आर्मेनिया हो गया और अजरबैजान। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जानना चाहें तो जॉर्जिया की जो राजधानी है वो तिबलिसी है, सही से मैं प्रोनंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन कुछ इसी तरीके से है। बाकी नीचे आप देख सकते हैं कि एक बाउंड्री जो है टर्की से भी लगती है, और आर्मेनिया और अजरबैजान में ही अभी आप लोग को मालूम होगा कुछ समय पहले जो है वो युद्ध चल रहा था। आर्मेनिया के नीचे जो आप देख रहे हैं तो नीचे के ही एरिया में इनका पड़ता था नागोर्नो काराबाख रीजन, जहाँ के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान में लड़ाई हो रही थी। और अजरबैजान और आर्मेनिया का जो नीचे जो स्लाइट सा हिस्सा आप देख रहे हैं पतला हुआ है, उसके बगल में लेफ्ट में जो हिस्सा है वाइट में, ये अजरबैजान का ही हिस्सा है। तो इस तरीके से आपको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, चाहे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको एक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। साथ ही साथ चलते चलते मैं जो हूँ आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ग्रेटिट्यूड फील किया वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स ने, और वहाँ के जो आपके और जो लोग थे डिप्लोमेट से चाहे ऑफिशियल से, और वो किस तरीके से भारत के इस गिफ्ट के लिए ग्रेटिट्यूड हुए, इसको हम लोग आगे जो है अपना देख सकते हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का आर्टिकल आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।